हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी के दो बहुत बड़े ब्रांड हिकविजन और ढब्बा को लेकर। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही ब्रांड कई सारे देशों ने बैन कर दिए हैं। उनमें से कुछ दिन पहले इसको ऑस्ट्रेलिया में भी बैन कर दिया था। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और मैं स्क्रीनशॉट का जो लिंक है इस साइट का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप भी सीसीटीवी कैमरा लगवाना सोच रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है दोस्तों, जो सीसीटीवी के डीवीआर या एनवीआर होते हैं उनको जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उनके लिए हमें एक क्लाउड आईडी की जरूरत पड़ती है, या हमें एक सीरियल नंबर जो होता है एनवीआर या डीवीआर का उसकी जरूरत पड़ती है, उसी से हम इनको ऑनलाइन देख सकते हैं जो कि इनकी एप्लीकेशन होती है उनके थ्रू। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये जो सीरियल नंबर होते हैं ये सारा प्रोसेस एक सर्वर के थ्रू होता है, जैसे कि हम अपने फोन में देखते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी ये जो सर्वर है हिकविजन का और ढब्बा का, ये दोनों चाइनीज ब्रांड है तो इनका जो सर्वर है वो चाइना में ही इस्टेब्लिश है। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने इनको कई बार बोला कि भाई आपके जो सीसीटीवी ब्रांड है इनका जो आप हमारे देश में जो भी आप सीसीटीवी प्रोडक्ट बेच रहे हो या सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हो इनका जो डेटा सेव होता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही करना पड़ेगा, आपको चाइना में नहीं करना। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में आपको भी पता है कि जो वॉर होगी वो डेटा की होगी, पास जितना ज्यादा डेटा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को शक हुआ, हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ पे हमने कैमरे लगाए हुए हैं, हमारे जो सरकारी ऑफिसेस है वहाँ का जो हमारा डेटा है वो चोरी हो रहा है। वहाँ पे ज्यादातर आप लोगों को पता होगा कि हिकविजन कैमरे लगते हैं ज्यादातर जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, क्योंकि उनकी क्लियरिटी अच्छी होती है, रेट बहुत कम होते हैं, इसी चीज का फायदा हिकविजन उठाता है। वो सारा का सारा जो भी डील्स होती है सरकारी ऑफिसों में वो अपने सर्वर में डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद आके जो बड़े व्यापारी हैं वो इस डेटा का मिसयूज करते हैं, सरकार इस डेटा का मिसयूज करती है। उनको पता चल जाता है किस देश में क्या प्रोजेक्ट चलने वाला है, किस में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है और वो उस प्रोजेक्ट को, आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियां हैं चाइना की जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेती है, तो इसी तरह करती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई बार बोला जो हमारे में सीसीटीवी प्रोडक्ट या सिक्योरिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं इनका सर्वर आपको हमारे देश में ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कंपनियां मानी नहीं और इसी वजह से हिकविजन और ढब्बा को बैन कर दिया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में भी कुछ दिन पहले इसको बैन कर दिया था, रशिया में भी कुछ दिन पहले इसको बैन कर दिया था, इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि इंडिया में तो सरकार इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस नहीं करती और इंडिया में ये चीज़ें धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट भी सख्त होने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट के ज़्यादातर ऑफिसेज हैं सारे के सारे जो सीवी ब्रांड है वो ज़्यादातर या तो ढब्बा, सीपी प्लस या हिकविजन इन्हीं में से है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सीपी प्लस के प्रोडक्ट है, सीपी प्लस ने अपना सर्वर इंडिया में ही लगा लिया है, चेन्नई में उन्होंने अपना सर्वर लगा लिया है। अब जितना भी डेटा है उनका सारा इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर कोई डेटा नहीं जा रहा। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हिकविजन की एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था, इनके प्रोडक्ट को भी बैन कर दे ढब्बा के और हिकविजन के। आप भी सीसीटीवी कैमरा लगवाना सोच रहे हैं तो इन दो ब्रांड को आप भूलकर भी ना लगवाएं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इनको बैन कर दिया है इंडिया भी इनको बैन करने वाला है, क्योंकि ये इंडिया का भी बहुत सारा डेटा चोरी कर रहे हैं और उसको सारा जितना भी डेटा ये चोरी करते हैं अपने सर्वर में अपलोड करके सेव रखते हैं और सोचते हैं कि इस डेटा से हम किसी भी देश को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जानकारी आज के टाइम में सबसे अहम है। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रांड के खिलाफ जो ये चाइनीज ब्रांड है कुछ एक्शन ले, क्योंकि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है। सीसीटीवी जितने भी लोग लगवाते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगह लगवाते हैं या तो सरकारी संस्थाओं में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं सब में सीसीटीवी अलाउ कर दिए हैं और ज़्यादातर में हिकविजन के ही प्रोडक्ट लगे हुए हैं, हिकविजन या ढब्बा, सीपी प्लस के इतने नहीं लगे हुए। हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोनों ही कंपनियां बैन हो जाए। अगर आप भी सीसीटीवी लगवाना सोच रहे हैं तो इन दोनों कंपनियों से बचे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी जानकारी दी है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सीसीटीवी से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। और अगर आपके सीसीटीवी कैमरा में कोई प्रॉब्लम है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके आपका सॉल्यूशन, या तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।